Hello students, this is Dr. Madhulika Roy, Head Department of Zoology, Government DTPG College, Pune. I have brought second part of gastrointestinal tract histology. Earlier we talked about stomach, histology of stomach. Actually, when I brought histology of gastrointestinal tract part 1, it was I have tried to describe the various layers present in gastrointestinal tract, organs of gastrointestinal tract, and yesterday our example was stomach. I have described you in detail what are the parts of gastrointestinal tract, and now today in continuation with the that topic, it is histology of gastrointestinal tract part 2. मैंने आपसे कहा कि हमने पार्ट 1 की बात की थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी पर. पार्ट 1 लेकर आई थी मैं एंड इट वाज ऑल अबाउट स्टमक. हमने उसमें डिटेल में बात की थी कि हिस्टोलॉजी क्या है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के क्या पार्ट्स हैं, ये हम लोगों ने बात की थी. और अब सेकेंड पार्ट में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मेजर पार्ट इंटेस्टाइन के ऊपर बात करेंगे, इंटेस्टाइन के फिगर्स देखेंगे, इंटेस्टाइन का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका हर तरह का हम जितने भी एस्पेक्ट उसके हो सकते हैं कवर करेंगे. बट बेसिकली इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिकल क्लासेस. इट विल हेल्प यू इन द प्रैक्टिकल क्लासेस वेयर यू हैव टू ड्रॉ द हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स. एक्चुअली इट इज़ देयर इन पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस एज वेल एज इन अंडर ग्रेजुएट क्लासेस. ये ना केवल MSc थर्ड सेम में आपके लिए उपयुक्त है बल्कि BSc सेकेंड ईयर में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि थ्योरी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम है पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है, और प्रैक्टिकल में आपको इनकी हिस्टोलॉजी के ऊपर डिटेल पढ़ना है. तो इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. Let us begin with our topic. As you know, what is histology? कल मैं आपको बता चुकी हूँ, या पार्ट 1 में मैंने आपसे उल्लेख किया था. What is histology? Histology is the study of tissues and cells present in the organ. किस तरह की cells, tissues उस particular organ में होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि हर organ का एक specific function होता है, और specific function के लिए specific cells या tissues स्पेशलाइज्ड होती है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वी विल टॉक इन डिटेल. हम केवल हिस्टोलॉजी के ऊपर ही इस समय पॉइंट नहीं कर रहे हैं. इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स. बात हो रही थी इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन भी है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. यू नो it is as long as 28 feet. It is very large structure, small intestine. Of course, it is a tube-like structure, but it is coiled and a very long structure. In it has three parts. First part is duodenum. ये duodenum इस stomach से बहुत करीब क्या इससे जुड़ा ही हुआ है. और stomach और duodenum के बीच में ये यहाँ पर, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये पॉइंट आउट. हाँ जी, ये वाली जगह यहाँ पर होता है पैंक्रियाज. मेरे एक लेक्चर में या कहिए PDF में, आप स्टडी मटेरियल में, मैंने पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर को भी डिस्क्राइब किया है, हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज. हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज में जब पोजीशन की बात आई तो ये वो जगह है, यानी ड्यूओडेनम एक यू शेप स्ट्रक्चर है और स्टमक से शुरू हो रहा, स्टमक इसके साथ लगा हुआ है और ये इलियम से जुड़ा हुआ है. जेजुनम, इलियम आपको दूसरे पार्ट्स मिलेंगे, ये जेजुनम वाला पार्ट है. तो ये यहाँ पर एक फूल नुमा रचना होती है जिसे पैंक्रियास कहते हैं. इट इज फॉलोड बाय जेजुनम एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम.
इलियम्बिक बहुत लंबी रचना है, इनके बड़े ही स्पेसिफिक पार्ट हैं। डियोडिनम वो पार्ट है जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है, मीडियम यहाँ पर एल्कलाइन हो जाता है और यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स भी आकर गिरते हैं, पैंक्रियाटिक फ्लूइड भी आकर गिरता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट हैज़ टू कैरी आउट फंक्शन ऑफ डाइजेशन। एंड इलियम इज द पार्ट वेयर यू विल गेट लार्ज नंबर ऑफ विलाई टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, एंड दीज विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया। इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स। मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के डिविजन्स के बारे में बताया। पहला डिविजन मैंने आपको बताया कि ये है डियोडिनम। डियोडिनम शुरू होता है जहाँ स्टमक ख़त्म होता है और यह इस यू शेप ट्यूब के बीच में पैंक्रियाज भी पाया जाता है जो एक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियाज की मदद से, पैंक्रियाटिक फ्लूइड से और बाइल सॉल्ट्स की मदद से डियोडिनम में डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और इट इज़ फॉलोड बाई जेजुनम। और ये इलियम वाला पार्ट सबसे अंतिम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन का नहीं, इंटेस्टाइन का एक और पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है और यहाँ पर बहुत विलाई देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन दो भागों में बटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन बनिस्बत छोटी है। कंपैरेटिवली लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर बट द इन लेंथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू लॉन्ग। देखिए कैसे कॉइल रचना है। तो इस स्लाइड में आप स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को देख सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जाकर ख़त्म हो रही है रेक्टम में। रेक्टम वो स्थान है जहाँ पर फीकल मैटर यानी अनडाइजेस्टेड अनवांटेड मैटर इज कलेक्टेड हियर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का या गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो पार्ट है रेक्टम जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड आकर जमा है फीकल मैटर के रूप में। और ये एनस वो अंतिम सिरा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का या गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जहाँ से अनवांटेड मैटर त्याग दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में एक पिक्चर दिखाई है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स में आपको किस तरह की सेल्स, किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो सी, दिस इज डियोडिनम, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम All have epithelial cells. ये सब epithelial cells के बनी हुई रचनाएं हैं। और ये epithelial cells किस तरह की हैं? Columnar, stratified, and they have some goblet cells. Duodenum में goblet cells की ज़रूरत होती है क्योंकि ये mucus secrete करते हैं। Jejunum में आपको फिर columnar epithelial cells मिलेंगी, ये स्ट्रेटिफाइड होती हैं, यहाँ भी गॉबलेट सेल होता है क्योंकि इंटेस्टाइन के प्रत्येक भाग में फूड को सॉफ्ट मॉइस्ट रखना आवश्यक है तो उसके लिए म्यूकस का सिक्रीशन होना ज़रूरी है। तो इनमें गॉबलेट सेल्स भी पाई जाएंगी और इलियम में भी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में गॉबलेट सेल्स उपस्थित हैं। ये प्रेजेंट का चिन्ह है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है। विलाई, villi is the characteristic feature of small intestine. तीनों part में यानी duodenum में, tongue और jejunum में और ilium में ऐसे finger-like projections निकले होंगे और इनका उपस्थित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इनका मुख्य कार्य है भोजन को absorb करना। तो ये surface area को बढ़ा देते हैं। लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया तीनों हिस्से में पाए जाते हैं यानी डियोडिनम में, जेजुनम में और इलियम में। इस लैमिना प्रोप्रिया की खास बात है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखून इसमें पाए जा रहे हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखून क्या है? ये है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जिनसे सक्कस एंटेरिकस का सिक्रीशन होता है।
जेजुनम में भी क्रिप्स ऑफ लिवर खून उपस्थित है और इलियम में तो क्रिप्स ऑफ लिवर खून उपस्थित है ही, लेकिन ड्यूओडेनम में पायर्स पैचेस नहीं पाए जाते हैं। पायर्स पैचेस एक प्रकार का टिश्यू स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फॉइड टिश्यू है। लिम्फॉइड टिश्यू का काम क्या होगा? लिम्फोसाइट को बनाना, और इसका बेसिक काम यही होता है। और जेजुनम में आप देख रहे हैं कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर बट नो पायर्स ग्लैंड्स आर देयर, नो पायर्स नॉट ग्लैंड सॉरी पैचेस आते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और इलियम वो रचना है जहाँ क्रिप्स ऑफ लिवर खून और पायर्स पैचेस ये सब कुछ पाई जाती हैं, सब म्यूकोजा तक फैली होती हैं। पायर्स पैचेस के होने से, ये एक लिम्फोइड टिश्यू है, इसके होने से लिम्फोसाइट बनती हैं जो माइक्रोब्स के साथ फाइट करती हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को इम्पार्ट करती हैं। नाउ द फोर्थ लेयर इज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में डियोडिनम में म्यूकस सिक्रेटिंग ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। अभी मैंने सबसिक्वेंट स्लाइड्स में आपको इनके चित्र भी दिखाए हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रेशन करना, क्योंकि आपको मालूम है जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होता जाएगा, काइम बोलस काइम काइल इत्यादि इन सबको म्यूकस के अंदर म्यूकस से लसलसा बना के रखा जाता है। और जेजुनम इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में जेजुनम में सब म्यूकोजा की लेयर है और इसमें कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इलियम में यहाँ सब म्यूकोजा लेयर में पायर्स पैचेस भी पाए जाएंगे। एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का आप पोजिशन थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, यहाँ भी आप देखिए ये सीकम वाला पोर्शन है, ये सीकम है, ठीक है। और दिस इज कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलन। टिश्यू लेयर्स इन इंटेस्टाइन, हम पार्ट वन में भी इसका अध्ययन कर चुके हैं कि कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। और पार्ट वन में हम डिटेल में बात कर चुके थे कि चार लेयर्स हैं, म्यूकोजा सब म्यूकोजा मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना सिरोसा। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंक्रीज्ड बाय लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ी देर पहले हमने एक फिगर में देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है और बड़ी आंत अपेक्षाकृत छोटी है। नाउ लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्स आर देयर जिन्हें कहते हैं प्लाइका सर्कुलरिस, विलाई माइक्रोविलाई क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखन, ये हैं इंटेस्टाइन की वो विशेषताएं जो स्टमक में नहीं थी। पार्ट वन में हमें ये पार्ट तो दिखे थे, लेकिन इनके बारे में आज हम पार्ट टू में देख रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इंटेस्टाइनल रीजन में इन चार लेयर्स के अतिरिक्त और भी विशेषताएं हैं, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई, उसमें पाए जाने वाले वॉल्स या प्लाइका सर्कुलरिस, विलाई का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून आपको मालूम है मैं बता चुकी हूँ ये क्या है, ये है ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स जिनसे सक्कस एंटेरिकस का सिक्रीशन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं इनमें से, क्योंकि भोजन का डाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन एंजाइम। ये हमने ऑर्गेनाइजेशन दिखाने का प्रयत्न किया है। देखिए बाहरी लेयर एपिथीलियम की बनी है, फिर बना है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया में मस्क्यूलरिस म्यूकोजा मिलेगा आपको, सब म्यूकोजा मिलेगा, सब म्यूकोजा के बाद सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और मेसेंट्रिक पैचेस आपको फ्लेक्सर्स इसमें दिखते हैं,
और मीजोथीलियम यानी सिरोसा किसका बना है? मीजोथीलियम का। तो आउटर मोस्ट लेयर ल्यूमेन से सटी हुई जो लेयर है, इनर मोस्ट कह सकते हैं इसे, एक्चुअली इनर मोस्ट कहना चाहिए क्योंकि ये इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पर ल्यूमेन से जुड़ी हुई जो लेयर है वो बनी हुई है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है, उसके बाद है लैमिना प्रोप्रिया, मस्क्युलरिस म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, सर्क्युलर मसल्स और मेसेंट्रिक फ्लेक्चर्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और सबसे बाहर की तरफ है मीजोथीलियल लेयर। इट इज कॉमन फॉर एवरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी ये चारों लेयर्स कॉमन मिलेंगे आपको पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, फिर वो चाहे इसोफेगस हो, चाहे स्टमक हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, ठीक है। लेकिन कुछ ग्लैंड्स जो भी हमने बात की वो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन की विशेषता। हिस्टोलॉजी ऑफ गट, यहाँ पर चित्र, एक दूसरा चित्र भी मैंने आपके लिए बनाया है। आपको जो चित्र अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, आप सब तो एक साथ नहीं बनाएंगे, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप उसको ड्रॉ कीजिए। यहाँ भी वही है, ये देखिए ल्यूमन है, ल्यूमन, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल लेयर अंदर की ओर सर्कुलर है, बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडनल है, और सिरोसा जो मीजोथीलियम की बनी हुई है। अब स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा अंतर तो होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज क्वाइट बिग, बहुत ज्यादा लंबी है, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन इतनी लंबी नहीं है, छोटी है। आप रचना में अंतर देख सकते हैं। सबसे पहला अंतर तो हमें विलाई में दिख रहा है। ये देखिए विलाई कितनी ज़्यादा बाहर तक फैली हुई है, लंबाई में ज़्यादा है, संख्या में भी ज़्यादा है। एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वाटर रीअब्सॉर्प्शन। बाकी देखिए लेयर्स वही है, सिरोसा है, मस्कुलर लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, सब म्यूकोजा, मस्क्युलरिस म्यूकोजी है ये, और सब म्यूकोजा, मेसेंट्रिक प्लेक्सस और म्यूकोजा, और म्यूकोजा में ही आपको ये दिख रही है विलाई। तो आप ये कंपैरेटिव अकाउंट है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, बाकी लगभग वही है। अंतर हमें दिख रहा है केवल इनमें, और इनमें क्रिप्ट ऑफ लिवर, खून वगैरह नहीं दिखना। इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट ऑफ लिवर, खून वगैरह आपको सब दिखेंगी, गॉबलेट सेल्स दिखेंगी, और क्रिप्ट्स हैं ये, इंटेस्टाइनल विलाई है ये, यहाँ भी क्रिप्ट्स हैं, और ये देखिए ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, जबकि इसमें आपको ऐसी कोई ग्लैंडुलर रचना नहीं दिख रही है। दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, व्हाट लार्ज इंटेस्टाइन पानी के अवशोषण के लिए विशेष होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड, अभी हम लोगों ने ग्लैंड्स की बात की थी, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने ग्लैंड्स की बात की थी, और उसके तीनों पार्ट्स में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तीनों पार्ट्स में मतलब ड्यूओडेनम में, जेजुनम में और इलियम में। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूओडेनम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और ये एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, तो इसीलिए ब्रूनर्स ग्लैंड को म्यूकस ग्लैंड भी कहा जाता है। म्यूकस निकालना अनिवार्य है जिससे काइम, काइल, जिस भी फॉर्म में डाइजेस्टेड फूड है वो लसलसा बना रहे, लुब्रिकेटेड रहे। सी पायर्स पैचेस, ये पायर्स पैचेस, ये रहे पायर्स पैचेस, ये पायर्स पैचेस क्या करते हैं? ये लिम्फॉइड टिश्यूज हैं या लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जिनसे लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू फाइट विद माइक्रोब्स। ये बाहरी आक्रमणकारियों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, फंजाई, जो भी फॉरेन बॉडी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है भोजन के साथ या किसी प्रकार से, तो वो ये फाइट करने में मदद करते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर, खून, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है जो इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं, और इस ये इंटेस्टाइनल जूस है सक्कस एंटेरिकस, जो भोजन के पाचन में बचे हुए, अनपचे हुए जो छोटे छोटे पार्ट्स अभी भी रह गए हैं उनके पाचन में ये मदद कर रहा है। ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, दिस इज नॉट दिस प्लेस वेयर आई शुड एक्सप्लेन दिस थिंग, दिस इज क्वाइट लार्ज एंड डिफरेंट टॉपिक। तो आप इसकी हिस्टोलॉजी देखिए,
इन्वेजिनेशंस ऑफ लाइनिंग ऑफ एपिथीलियम इंटू लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये किस तरह से इनकी फोल्डिंग्स हैं, किनके एपिथीलियल सेल्स की। वॉल ऑफ क्रिप्ट्स आर लाइन बाई फॉलोइंग सेल्स। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर खुन जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, उनमें क्या पाई जाती हैं, कॉलमनर सेल्स, गॉबलेट सेल्स, अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स और ये जाइमोजन पैनेट सेल्स। आपको कुछ बुक्स में मिलेगा पैनेट सेल्स। पैनेट सेल्स एक्चुअली क्या करती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स को स्टोर करके रखती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एंजाइम एक्टिव होगा तो सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा, है ना, क्योंकि सेल किसकी बनी हुई है, सेल में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब कुछ उपस्थित है। तो जिस प्रकार का भी एंजाइम ये होगा वो सब्सट्रेट को डाइजेस्ट करने का खतरा रखता है। इसीलिए पैनेट सेल में क्या है, वास्तव में जाइमोजन सेल है। जाइमोजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन पैनेट सेल्स। ये है अर्जेंटी फिन सेल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन विद विलाई एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये रहे विलाई, दीज आर विलाई एंड दीज आर ग्लैंड्स। ये रहे ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ग्लैंड सब भी हम लोगों ने देखे, सक्कस एंटेरिकस भी निकालते हैं ये, यानी क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून भी हो सकते हैं। नाउ हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हम किसे ले रहे हैं, टेट्रापोड्स को लिया है हमने, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स। लेट अस सी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ डियोडिनम एंड इलियम इन वर्टिब्रेट्स। An underlying lamina propria composed of loose connective tissues and containing germinal centers and large aggregates of lymphoid tissues called Peyer's patches, which are a distinctive feature of the ilium. Ilium mein bahut zyada Peyer's patches milenge. Thin layer of smooth muscles called muscularis mucosae. Ye duodenum mein bhi hoga, ilium mein bhi hoga. Halanki hum ek comparative account dekh chuke hain. ये फिर भी आपको अगर ये कंफर्टेबल लगता है तो आप इसे लीजिए, और यदि आपको उस प्रीवियस चित्र में वो कंफर्टेबल लग रहा है तो आप उसको लीजिए। द म्यूकोजा कंसिस्ट ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जिसे लेमिना एपिथेलियलिस कहते हैं। अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर लेमिना प्रोप्रिया एंड अ स्मूथ मसल लेयर लेमिना मस्कुलरिस। आप इससे वाकिफ हैं। एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स इसमें पाई जाती हैं, कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो स्ट्रक्चर आप जानते हैं, जब आपने सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, कॉम्पोजिशन पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि इनमें प्रोटीन, फैट, लाइपिड्स की ही बनी होती हैं सेल्स। तो जाहिर है इनमें ये सारी लेयर्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एम्फीबिया का चित्र आपको दिख रहा है, सारी वही लेयर्स हैं। आपको म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजी, लेमिना प्रोप्रिया, मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल इत्यादि आपको सब दिख रही हैं। तो आप कमेंट्स में इस प्रकार लिखिए, चित्र बनाइए, कमेंट्स लिखिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो आपको इस तरह के चित्र दिए हैं वहाँ मैंने ये साइड में कमेंट्स नहीं लिखे, मैंने एक बार कॉमन कैरेक्टर लिख दिए थे। तो आप चाहें तो जब भी आप चित्र बनाते हैं इस तरह के कॉमन कैरेक्टर्स को आप लिख सकते हैं। यहाँ तक तो देखिए सारे कैरेक्टर कॉमन होंगे, कहाँ तक, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकेजी, लॉन्गिट्यूडनल कॉलमनर सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सिरोसा, ये सब में कॉमन होगा। स्टमक में भी कॉमन है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कॉमन है, और जब आप लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वो कॉमन मिलेगा। लेकिन यहाँ विशेषता क्या है, यहाँ मैंने इंटेस्टाइन की विशेषता यहाँ से लिखी है। ये आपको लिखना अनिवार्य है, आप कोई चित्र बनाते हैं, हिस्टोलॉजिकल कोई चित्र आता है तो कमेंट्स में हमें ये लिखना चाहिए। कल भी मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि प्लीज़ पिंक है, वायलेट है स्लाइड, इस तरह से ना लिखें, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। आपको कमेंट्स में क्या लिखना पड़ेगा, ये विशेषताएं आपको लिखनी पड़ेंगी। और देखिए यहाँ जब आप इंटेस्टाइन के बारे में कमेंट्स लिख रहे हैं तो आप ज़रूर लिखिए कि इसमें सेल्स
में विलाई उपस्थित हैं जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड, फायर्स पैचेस और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खुंस मिलते हैं। पैनेट सेल्स, जब आप इलियम लिखेंगे तो आप पैनेट सेल्स भी लिखेंगे, जिसमें जाइमोजन सेल्स कहते हैं, जिनमें इनएक्टिव एंजाइम उपस्थित रहता है। सिमिलरली अब आप देखिए रेप्टिलिया में बेसिक स्ट्रक्चर वही है। देखिए क्या है ये रहा यहाँ म्यूकोसा, ये रहे विलाई, लेमिना प्रोप्रिया दिख रहा है आपको, गॉबलेट सेल्स दिख रही हैं यहाँ आपको, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून ये दिख रहे हैं, क्रिप्ट्स ऑफ ये देखिए ये है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, मस्क्यूलरिस म्यूकोसा वगैरह सारे, और ये है वो ल्यूमेन, यानी बेसिक सब कुछ आपको वही दिख रहा है ना, बस इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, वो भी ज़्यादा अलग नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होगा, क्योंकि ये एक रेप्टाइल है, ये वेरेनस का चित्र है, और अभी हमने फ्रॉग देखा था एम्फीबिया में, तो थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर याद रखिए सब में एक जैसा। ये देखिए ये है एवियन इंटेस्टाइन, एवियन इंटेस्टाइन माने ये एक बर्ड की इंटेस्टाइन है, और ये उदाहरण है गैलस का, इसमें भी सेम आपको ये म्यूकस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सर्क्यूलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, लेमिना प्रोप्रिया इत्यादि आपको सब दिख रही हैं, और आपको इनमें विलाई भी दिख रहे हैं, ये विलाई है, ठीक है, भोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई आवश्यक होता है। दिस इज मैमेलियन स्ट्रक्चर, मैमेलियन स्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस्ड होता है। वैसे जीवों का इंटेस्टाइनल ट्रैक इस तरह की सेल्स का स्पेशलाइजेशन है जो विभिन्न प्रकार के भोजनों को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। बेसिक स्ट्रक्चर सिरोसा, सिरस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा इत्यादि, सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, लेमिना प्रोप्रिया, प्लाइका सर्कुलरी, और ये देखिए विलाई, ये ल्यूमन, यहाँ भी मैंने वही सेम कैरेक्टर्स आप लिखेंगे, आप एक कैरेक्टर याद कीजिए इस इंटेस्टाइन का, आपको सभी में यही लिखना है, क्योंकि सबका मेजर लेयर एक ही है। जब आप स्टमक पार्ट वन में स्टमक पढ़ेंगे उसमें भी आप इसी तरह से कैरेक्टर लिखेंगे, कहाँ तक, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सिरोसा, चारों लेयर्स के बारे में आपको उल्लेख करना होगा। ये बाकी के कैरेक्टर्स यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हैं इंटेस्टाइन के लिए। सो आई हैव ट्राइड टू गिव यू सम टिप्स टू हेल्प यू इन द प्रैक्टिकल, मेरी कोशिश है कि आप प्रैक्टिकल की तैयारी करते समय इन टिप्स को ध्यान रखेंगे, आप इन चित्रों को बना बना के प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।